नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। ग्यारसपुर में सागर की तरफ से जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का किया गया फूलमाला श्रीफल से तिलक लगाकर सम्मान। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर एनपी कुशवाहा ने कहा, हमारी पार्टी 120 साल पुरानी और हमारी पार्टी देश विकास की ऊंचाइयों तक लेकर आई। उपचुनाव के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेसी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अपने विश्वास के आधार पर उपचुनाव में उतरेगी। आपको इतना बड़ा दायित्व सौंपा, पूरे प्रदेश का महामंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं अब ये देखने को आ रहा है क्या जो कांग्रेस की पार्टी कहीं ना कहीं दरार जो फूट जो डल रही है, कहीं ना कहीं विधायक छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार किस प्रकार संतुलन बनाएंगे पार्टी में? देखिए, क्या है कि ये सारी चीजें पहले से ही चलती रही है, कोई नया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी ज्यादा हो रहा है, और जिस प्रकार की बातें आज हो रही हैं उसमें दोनों पार्टी, समाज और हम भी जिम्मेदार इसलिए हैं कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस तरह से ठोक बजा के नहीं देखते हैं कि वास्तव में ये लोग पक्के हैं या नहीं हैं, या इनकी नीचे की तल्ली है ही नहीं। कभी भी किसी भी बात के लिए लोलुपतापूर्वक वो अपने ढड़क जाएंगे, कभी भी किसी भी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे चुनने में भी गलतियाँ होती हैं और पार्टियों में ये हमेशा से होता है। कहीं ना कहीं उपचुनाव सामने हैं, तो आप इस प्रकार मोर्चा संभालेंगे क्योंकि इतना बड़ा दायित्व आपको मिला हुआ, आप किस प्रकार इसका संतुलन बना के रखेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को? कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस 120 साल पुरानी पार्टी है, हमेशा से ऐसी कई बार उसके लिए इस प्रकार की बातें झेलना पड़ी हैं। उन बातों को आज आप देख लीजिए कि इतनी इंदिरा जी के टाइम पर कितनी कांग्रेस के लिए यातना झेलना पड़ी थी, इसके बाद भी कांग्रेस आई, हिंदुस्तान में जिंदा है और भविष्य में भी रहेगी। उपचुनाव को देखते हुए पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, किस प्रकार से मैदान में उतरेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है किसान का हित, आम लोगों का हित, और आज जो देश है भारत के लिए, जो पूरे देश, पूरे संसार के देश आज देख रहे हैं, मान रहे हैं, वो कांग्रेस ने दिया। भारतीय जनता पार्टी आज जो भी कहे, जैसे भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जब देश सौंपा गया तो कांग्रेस ने जाके इसको पता ना, तो जिस रूप में आज है, ठीक है, कोई ज्यादा उन्नति करता, कोई कम करता, किसी समय पे कम विकास होता, किसी समय पे ज्यादा होता है, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अपने विश्वास के आधार पर। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।